अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.6 से रिलेटेड थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम करने जा रहे हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम की सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि जब आपके पास कोई पॉलीनोमियल हो पी ऑफ एक्स, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि पॉलीनोमियल हो और जिसकी डिग्री 1 से बड़ी हो, अगर आप उसे डिवाइड करते हो एक्स माइनस आर से तो आपको रिमाइंडर कॉन्स्टेंट मिलता है, तो वो इक्वल टू होता है पी ऑफ आर के। तो अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। तो हमारे पास अगर कोई पॉलीनोमियल है पी ऑफ एक्स और आप इसे डिवाइड कर रहे हो एक्स माइनस आर से जो कि फैक्टर है, तो जब आप इसे एक्स माइनस आर से डिवाइड करो तो कोशेंट मिलता है कोई भी, जिसे हम नाम दे रहे हैं क्यू ऑफ एक्स, यानी वो भी एक पॉलीनोमियल होगा। जब आप इसे डिवाइड करो और कोशेंट क्यू ऑफ एक्स मिले तो रिमाइंडर कोई भी मिलता है, हम उसे आर का नाम देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की डिवीजन करें तो डिवाइडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर एन टू, हमारे पास होता है कोशेंट और प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहां पर हमारे पास डिवाइडेंट है पी ऑफ एक्स और हमारे पास जो डिवाइजर है वो है x माइनस आर और कोशेंट हमारे पास है q ऑफ x और रिमाइंडर इक्वल टू है r। तो ये वैल्यूज हमने इसमें पुट की। अब अगर हम यहां पर पुट करते हैं x की जगह और x इक्वल टू r, इस इक्वेशन में हम x की जगह r पुट करते हैं, तो यहां पर मिल जाएगा p ऑफ r और यहां पर होगा r माइनस आर एन टू क्यू ऑफ आर और प्लस r, ये p ऑफ r इक्वल टू आएगा r माइनस आर जीरो, तो जीरो एन टू क्यू ऑफ r तो जीरो ही हो जाएगा, इसे हम नहीं लिखते, तो इक्वल टू आ जाएगा r। ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ है। इसकी मदद से हम किसी भी डिवीजन करते वक्त अगर x में पॉलीनोमियल जो p ऑफ x है उसमें हम r पुट करें तो डायरेक्ट हमें रिमाइंडर मिल जाता है, यानी उसे डिवाइड करने की के से पहले ही हमें रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें डिवीजन की जरूरत नहीं है, आप पॉलीनोमियल में r की वैल्यू पुट करो तो डायरेक्ट आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो हम इसकी एक एग्जांपल से इस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं, जिससे आप डिवीजन भी सीख लेंगे और इसकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है पी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल टू है 3x³ - 7x² + 6x - 3 और कहता है कि इसे आप डिवाइड करो x माइनस टू से, यानी ये इसका फैक्टर है। तो अगर आप देखें यहां पर r हम कंपेयर करें x माइनस आर से, हमेशा आप इसे x माइनस आर से कंपेयर करते हो तो यहां पर r इक्वल टू टू है, यानी हम p ऑफ x में टू पुट करें तो डायरेक्ट हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन पहले हम डिवीजन करते हैं, उसके बाद रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारे पास इस तरह मिलेगा 3x³ - 7x² + 6x - 3। तो अब हम डिवीजन के जरिए रिमाइंडर पहले फाइंड करते हैं, फिर हम चेक करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से वही रिमाइंडर मिलता है कि नहीं, तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगी। देखें x माइनस टू है और यहाँ पर 3x³ - 7x² + 6x - 3, तो इससे सेम लाने के लिए हम 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हम 3x² से मल्टीप्लाई करते हैं x को, तो हमें मिलता है 3x³, और जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है -6x² तो अब हम इसे माइनस करते हैं तो हमें ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हुआ और यहां पर हमें मिला -x² + 6x - 3।
अब हम इसे यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसे हमें मिला माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला प्लस 2x, और साइन चेंज हुए प्लस माइनस और ये कैंसिल, तो यहाँ हमें मिला 4x माइनस 3। अब यहाँ 4x से इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मिलेगा, तो इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 यहाँ पर लिखा तो 4x, और जब 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला माइनस 8। अब हम इसे माइनस करते हैं तो साइन चेंज, ये कैंसिल, तो यहाँ हमें मिला प्लस 5 रिमाइंडर। तो हमने डिवीजन के जरिए इसका रिमाइंडर फाइंड किया, तो हमारे पास आर इक्वल टू आया 5। अब हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से डायरेक्ट यानी डिवीजन के बगैर फाइंड करते हैं क्या रिमाइंडर इक्वल टू 5 बन जाएगी। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3। अब हमारे पास जो फैक्टर है जिससे डिवाइड करना है वो है x माइनस 2। तो अब हम इसे कंपेयर करते हैं विद फैक्टर, कंपेयरिंग विद x माइनस r, तो यहां पर r इक्वल टू मिल रहा है 2, तो हम यहां पर x की जगह 2 पुट करेंगे, जैसा कि वहां पर फॉर्मूले है p ऑफ r, यानी r पुट करना है। तो r इस क्वेश्चन का हमारे पास है 2, तो हमने पी ऑफ 2 पुट किया तो पुट एक्स इक्वल टू 2, तो हमें मिला 3 n² 2 का³ माइनस 7 n² 2 का² प्लस 6 n² 2 माइनस 3। तो यह मिला पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 n² 2 का³ हमें मिल रहा है 8 माइनस 7 n² 2 का² 4 और प्लस 6 n² 2 12 माइनस 3। सिंप्लीफाई करके लिखें तो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 3 24 माइनस 7 4 28 प्लस 12 माइनस 3। तो हम इसे सिंपल बनाए तो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू मिलता है 5 के, यानी कि हम पी ऑफ 2 यानी रिमाइंडर थ्योरम के जरिए फाइंड करें तो तब इक्वल टू 5 आता है। तो इसका मतलब यह है कि हम रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से डिवीजन के बगैर रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपने एक्स की जगह आर पुट करना है जो कि हर क्वेश्चन का डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से आपने रिमाइंडर थ्योरम का वेरीफाई किया, डिवीजन सीखी और रिमाइंडर थ्योरम भी समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम की समझ आ गई होगी और इसके साथ आपको डिवीजन यानी डिवाइड करना भी आ गया।